वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो 76.80 पे ट्रेडिंग करा है सेल स्टॉक, यानी कि देख सकते हो कि एक अच्छी तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिले। सुबह सुबह एक अच्छी तेजी देखने को मिले, 3 पॉइंट ऊपर है यानी कि 4% के ऊपर तेजी देखने को मिले स्टॉक के अंदर आज के दिन में। तो आज ओपन तो गैप अप से ऊपर ओपन हुआ, ओपन होते 75 लेवल को ब्रेक किया, इंपॉर्टेंट लेवल 76 को ब्रेक किया और ऊपर 77 लेवल पे रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ चुका है रिसेंटली ये स्टॉक। तो देखा जाए तो देख सकते कि मार्केट कैप जो है 31.70,000 करोड़ की है, पी रेशियो भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के लिए और डिविडेंड भी बढ़िया देता है स्टॉक, डिविडेंड 11% की है। पिछले 5 दिनों में देख सकते तकरीबन 1.93% अप है, गिरावट के बाद फिर से रिकवरी देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे देखा जाए तो देख सकते तकरीबन आज के दिन का वॉल्यूम, वॉल्यूम के ऊपर नजर डाली जाए तो 2,14,00,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है स्टॉक के अंदर आज के दिन में। और ट्रेडेड वैल्यू जो है वो देख सकते 16,331,00,000 की ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो बाइंग के लिए 38,00,000 से ज्यादा क्वांटिटी पेंडिंग है और सेलिंग के लिए 42,00,000 से ज्यादा। सिक्योरिटी डिलीवरी पोजिशन देखे जाए जैसे कि 1,89,00,000 में से 69,00,000 क्वांटिटी जो है डिलीवरी के लिए चले गए यानी कि होल्डिंग के लिए नेक्स्ट डे के लिए चले गए 36% क्वांटिटी। तो यहाँ पे चार्ट पे ऊपर नजर डाल सकते हो, तकरीबन 73 लेवल पे कल यहाँ पे सपोर्ट लिया, आज देख सकते गैप अप से ओपन हुआ, ओपन होते तेजी देखने को मिली। मंथली रजिस्ट्रेशन 176 लेवल पे काफी दिनों से रजिस्ट्रेशन ले रहा था स्टॉक, तो उस लेवल को भी ब्रेकआउट दे चुका है। पर रिसेंटली देखा जाए तो 77 लेवल के करीब रजिस्ट्रेशन लेने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते पिछली बार भी इस लेवल पे रजिस्ट्रेशन लिया गया था, कि उस लेवल पे रजिस्ट्रेशन लेना दिखाई दे रहा है स्टॉक। तकरीबन उस लेवल को ब्रेकआउट देता है 77.35 को, तो ऊपर और 80 लेवल तक जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं स्टॉक के अंदर। तो ये लेटेस्ट अपडेट सेल स्टॉक के लिए।